बारिश का मौसम आ रहा है, ऐसे में आप सभी हर साल बादलों को देखते ही हैं। तो आम दिनों में ये बादल सफेद रुई जैसे दिखते हैं, लेकिन बारिश से पहले यही बादल काले रंग के दिखाई देते हैं, है ना? अब आप भी सोचने लगे कि ऐसा क्यों होता है, तो आज हम आपको इस वीडियो में इसके पीछे का विज्ञान बताते हैं कि सफेद बादल बारिश से पहले काला क्यों दिखाई देता है। लेकिन पहले आपको जानना होगा कि बादल क्या होता है। तो दोस्तों, बादल पानी और बर्फ के बेहद सूक्ष्म कणों का ग्रुप होता है, जो कि गर्मी के चलते बनते हैं। जैसे पानी गर्म करने पर जो भाप उठती है, उसी तरह गर्मी होने पर समुद्र, नदी, नालों के पानी की बूंदें भाप बनकर ऊपर उठती हैं। ऊपर जाकर पानी की ये बूंदें ठंडी हो जाती हैं और बादल बन जाते हैं। ये सब हमने स्कूल्स की किताबों में भी पढ़ा है। अब आगे की कहानी जानिए। तो पानी के ये सूक्ष्म कण 1 मिलीमीटर के सौवें हिस्से के बराबर होते हैं और 1 क्यूबिक मीटर हवा में करीब 100 मिलियन पानी के कण होते हैं। ये कण हवा में तैरते रहते हैं और बेहद छोटे होने के कारण -31 डिग्री सेल्सियस तापमान तक भी लिक्विड बने रहते हैं। जब सूरज की रोशनी इन पर पड़ती है तो ये सफेद रंग के बादल के रूप में दिखाई देते हैं। तो बारिश से पहले काले कैसे हो जाते हैं बादल? दरअसल बारिश से पहले बादलों के काले रंग के दिखाई देने के पीछे सूरज की रोशनी ही है। गर्मी के चलते तेजी से समुद्र और नदियों, तालाबों का पानी भाप बनकर तेजी से ऊपर उठता है और बादलों में पानी भर जाता है। अब चूंकि बादल में पानी की मात्रा ज्यादा हो गई है, तो बादल का घनत्व बढ़ जाता है और इसके चलते सूरज की रोशनी बादलों के आर पार नहीं जा पाती, तो इसके पीछे चलते बादल काले दिखाई देते हैं। हालांकि अगर हम हवाई जहाज में बैठकर बादलों को देखते हैं तो हमें बादल हमेशा सफेद ही दिखाई देंगे, क्योंकि ऊपर से बादलों पर सूरज की रोशनी तो पड़ ही रही होती है, लेकिन वह पानी के चलते आर पार नहीं हो पाती, जिस वजह से बादल नीचे से काले ही दिखाई देते हैं। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन।